नमस्कार साथियों, चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। तो मिलिएगा आज के पहले प्रश्न से। आज आपको जी के जिया से संबंधित कुछ प्रश्न करवाते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बताइए भाई। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। शारदा कानून किस वर्ष आया था, बताओ वो कौन सा वर्ष था जिस वर्ष शारदा कानून आया था। तो याद रखना 1929 में आया था। कब आया था, 1929 में। बताइए शारदा कानून किससे संबंधित है, बताओ भाई ये किससे संबंधित है। याद रखना ये बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है, बाल विवाह से। किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, वो है 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। बताइए कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई है, तो याद रखना वो है 44वां संविधान संशोधन। बताइए पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं, ये तो सबको पता होगा, तो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। तो बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में मनाते हैं। प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखना वो तमिलनाडु में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, तमिलनाडु में। बताइए ओणम किस राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, बताइए ओणम कहाँ मनाते हैं, तो ये तो पता होना चाहिए। ओणम केरल में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, केरल में। याद रखना ओणम को केरल में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर विलक्कू उत्सव का संबंध किस राज्य में है, मकर विलक्कू का उत्सव बताइए इसका संबंध किस राज्य से है, तो याद रखना केरल से है। किससे है, केरल से है। मकर विलक्कू उत्सव जो है केरल में मनाया जाता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो किया जाता है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जो हम्पी उत्सव है बताओ ये किस राज्य में मनाते हैं, ये कर्नाटक में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, कर्नाटक में। कौन सा महोत्सव भैंस दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है, तो भैंस दौड़ प्रतियोगिता जो है ये कौन से महोत्सव में होती है, जल्दी जल्दी से बताओ, तो वो है कम्बाला महोत्सव। कौन सा है, कम्बाला महोत्सव है, जिसमें भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बताइए ये कम्बाला महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, बताओ कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखना कम्बाला महोत्सव कर्नाटक में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, कर्नाटक में। अभी पता है आपको क्या होता है इस महोत्सव में, तो भैंस की दौड़ होती है, दौड़ की प्रतियोगिता होती है। कुर्ग का कोडवा समुदाय किस त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है, तो वो है कैलपौत। कौन सा है, कैलपौत समुदाय है, ये हथियारों की पूजा करता है। कोडवा समुदाय जो है कैलपौत त्यौहार पे हथियारों की पूजा करता है। फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो याद रखना ये नेल्लौर जिले में मनाया जाता है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। फ्लेमिंगो उत्सव जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में मनाया जाता है। लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, बताओ भाई किस राज्य में किया जाता है, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन होता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न से आपको मिलवाते हैं। बथुकम्मा महोत्सव, ये तो भाई कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताओ भाई बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता, याद रखना ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलदेई त्यौहार,
बताओ हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। फूल देई त्यौहार तो चैत्र में मनाते हैं, कब मनाते हैं, चैत्र में, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। हिंदी महीने में ये पहला महीना है चैत्र, इसी में फूल देई महोत्सव मनाते हैं। कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? एक तो आपका कुंभ मेला हुआ है, ये सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा मेला है मेदराम यात्रा, कौन सा है, मेदराम यात्रा। भारत के किस राज्य में फतोरफा यात्रा उत्सव मनाया जाता है, बताओ कौन सा राज्य है जहाँ फतोरफा यात्रा का उत्सव मनाते हैं, वो है गोवा। गोवा में ये उत्सव मनाया जाता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न आपको करवाए हैं सब महत्वपूर्ण हैं। बताइए सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाते हैं, ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सिग्मो महोत्सव बताओ ये कम कहाँ मनाते हैं, तो याद रखना ये गोवा में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, गोवा में। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव, बताइए भाई काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के किस ज़िले में किया जाता है, तो याद रखना मुंबई में, ये भी काफ़ी फेमस है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आज का सफ़र यहीं तक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।